इस वक्त देखिए हमारे साथ चित्रा सरवारा जी भी हैं, बात करते हैं। चित्रा जी, आज की जो बैठक है क्या कुछ मंथन हुआ है, क्या कुछ चिंतन हुआ है? देखिए, लोकसभा आगामी लोकसभा चुनाव के चलते हुए कैंपेन लॉन्च करा गया है और साथ ही में एक संगठन का फ्रेम भी बनाया गया है कि किस तरह से ग्राउंड से ऊपर तक का संगठन अब कांग्रेस बनाएगी और साथ ही में एक मेजर कैंपेन जो है हमारी घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, तो ये कैंपेन लॉन्च होएगा और किस तरह से इसके अंदर क्या एक्टिविटीज होंगी, ये सारा आउटलाइन और इस पर सारी चर्चा संगठन के मेन जो मुख्य नुमाइंदे हैं, एक्स लीडर्स हैं, प्रेजेंट लीडर्स हैं, उन सबके साथ करेंगे। बिल्कुल, आज जिस तरह से यहाँ से ये लॉन्च किया गया कार्यक्रम, 15 जनवरी से आपका कार्यक्रम शुरू होगा ये, लेकिन बात करें एक और कार्यक्रम जो इस महीने होने वाला है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का, सोनिया गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मना कर दिया है उसमें शामिल होने से, ये कहते हो कि राजनीतिक कार्यक्रम है? देखिए, एक मैं हम अभी हर कोई जानता है पूरे देश के अंदर के भी राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, एक अधूरी बिल्डिंग का लोकसभा से एकदम पहले इस तरह से जो है उद्घाटन करना और जो प्रमुख हमारे धार्मिक गुरु हैं उनके द्वारा इसका बहिष्कार होना और साथ ही में जो है एक तरह से ये पेश करा जाना कि साफ है, झलकता है कि ना तो राम मंदिर के प्रति कोई आस्था यहाँ पर झलक रही है, ना ही भगवान राम के प्रति। हम एक 80% हिंदू प्रमुख प्रदेश हैं और राम सबके दिलों में, घरों में सदियों से, दशकों से हम समझेंगे बस रहे थे और आगे भी बसते रहेंगे, और एक मंदिर के उद्घाटन से इस तरह से किसी बात को जोड़ना, आस्था को जोड़ना हम समझते हैं गलत है। और जिस तरह से एक वेपनाइजेशन देखा गया है लॉ का, मीडिया का, हर चीज का, उसी तरह से आज हम कहेंगे कि धर्म का भी एक वेपनाइजेशन भाजपा कर रही है, जहां पे उसे मात्र एक राजनीतिक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है, आस्था के स्तंभ की तरह नहीं। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसे एक वेपन के तौर पर जो यूज किया जा रहा है, जो चुनाव है आने हैं उसके मद्देनजर ही इस तरह का कार्यक्रम रखा गया, जबकि राम जो है वो सबके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।